हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लाई हूँ रिलैक्सिंग मंडला आर्ट सीरीज़, जिसमें मैं आपको सिंपल मंडला आर्ट के पैटर्न सिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक पैटर्न्स से शुरू करेंगे, जो बेसिक शेप्स होते हैं मंडला आर्ट बनाने के लिए। सबसे पहली है पेटल्स। इसमें हम सबसे पहले एक लाइन क्रिएट करते हैं, उसमें छोटी छोटी पेटल्स बनाई हैं मैंने। यहाँ पर मैंने पॉइंटेड पेटल बनाई हैं, आप चाहें तो राउंड भी बना सकते हैं, दोनों का अपना अपना एक लुक है। पॉइंटेड भी बहुत अच्छे लगते हैं, राउंड भी अपने आप में एक बेसिक शेप है, बहुत अच्छे लगते हैं। सेकेंड है लॉन्ग पेटल्स, और इसमें हमने ऐसे लंबी लंबी पट्टी बनानी है। अब ये भी पॉइंटेड भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, जैसे आपको अच्छा लगे पैटर्न। फिर इसको आप कई बार ही बनाइएगा एक लाइन पर, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो। कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड यूज्ड टू हो जाता है किसी पैटर्न में, और फिर आप बिना सोचे समझे भी आपको दिखती जगह तो आप उसे फिल कर लेते हैं उस पैटर्न से। नाउ द थर्ड वन इज़ ड्रॉप पेटल्स। ये है एक मोटी पेटल के अंदर एक छोटी पेटल, और जो सेकंड पेटल है हमने उसको फिल कर दिया है। ये भी बड़ा अच्छा पैटर्न लगता है, एक मोर पंखी पैटर्न जैसा सा लगता है। एक बड़ी पेटल बनाई, उसके अंदर एक छोटी पेटल, और फिर उसको फिल कर दिया। बस ऐसे ही आप इसे प्रैक्टिस करिए, एक बड़ी पेटल, एक छोटी पेटल, और फिर उसे फिल कर दिया। अच्छा सा पैटर्न बन जाता है ये भी, सिंपल। फोर्थ पॉइंट, ये बनाएंगे हम लाइंस। सिंपल हमने एक लाइन बनाई, उसके ऊपर एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। ये भी बहुत सिंपल है। और फिर उसको डेकोरेट करने के लिए ऊपर डॉट्स बना दी, मोटी मोटी डॉट्स, तो ये भी अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है, और वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये बनाने में। फिफ्थ पॉइंट, ये है हमारा डॉट्स एंड सर्कल। इसमें भी फिर ऐसे बनाएंगे, एक सिंपल लाइन बनाई, एक सर्कल, उसके अंदर डॉट, एक सर्कल, उसके अंदर डॉट, और कई बार बनाएंगे सो दैट आपके माइंड प्रैक्टिस भी हो जाए, तो याद हो जाए। सिक्स्थ है हमारा ट्रायंगल। इसमें एक लाइन बनाई, फिर ट्रायंगल बनाया, सिंपल ट्रायंगल है ये, और उसके बीच बीच में हम डॉट्स बना लेंगे। फिर सेवन्थ पॉइंट है हमारा लाइंस एंड डॉट्स। एक लाइन बनाई, फिर डॉट, एक लाइन, फिर डॉट, ये भी बेसिक सा पैटर्न है। एट है स्पाइरल्स। इसमें कुछ नहीं, बस गोल 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 गोल, स्पाइरल स्पाइरल। यहाँ पर आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब हम मंडला में बनाते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा इल्यूजन वाला इफेक्ट आता है, इल्यूजन डिज़ाइन ही है ये काइंड ऑफ। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, दिस इज़ द एडवांस शेप। इसमें थोड़ी बड़े पैटर्न्स हैं जो मंडला में हम एज मंडला को एक्सटेंड करने के लिए, फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे वही सिंपल ट्राइंगल्स बना के। अब इसको हम फिल कैसे कर रहे हैं ये देखेंगे। पहले एक साइड में लाइन बनाएंगे, उससे पूरे ट्राइंगल को फिल कर देंगे। फिर जो ऊपर की साइड में लाइन खींच के एक ट्राइंगल बनते हैं, उसमें हम दूसरी साइड में लाइन बनाएंगे और उसको फिल कर देंगे। है ना कितना सिंपल और कितना अच्छा इल्यूजन वाला इफेक्ट देता है ये। आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ऑप्टिकल इल्यूजन जो होते हैं ना, वैसा सा लुक बन जाता है इसमें। ये भी बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिस चाहिए। कई बार एक ही साइड में लाइन बन जाती है, दोनों ऊपर भी नीचे भी। तो सेकंड स्टेप में फिर से हमने ट्रायंगल बनाए, और उसके अंदर एक और ट्रायंगल, उसके अंदर एक और, जो सबसे छोटा ट्रायंगल है उसको हम ऐसे फिल कर देंगे। तो ये भी एक पैटर्न बन गया, सिंपल है ना। ये भी ऊपर भी सेम ऐसे ही करेंगे हम, एक छोटा ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर एक और छोटा, और सबसे अंदर वाले को हमने फिल कर दिया। ये भी हमारा एक सिंपल सा पैटर्न बन गया। इसको भी आप कई बार ऐसे बनाइएगा सो दैट आपको प्रैक्टिस भी होती जाए। इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, लेकिन क्योंकि हम जब मंडला बनाने लगते हैं तब दिमाग से निकल जाता है डिज़ाइन कि अब क्या बनाएं। अब थर्ड में भी फिर से हमने ट्रायंगल बनाए हैं, उसके अंदर माउंटेन्स जैसे बीच में झांकते हुए और ट्रायंगल। अब ये जो बीच में ट्रायंगल बनाया है कुछ रॉम्बस जैसा बन गया, तो अंदर हमने रॉम्बस ही बना दिया एक छोटा सा, और उसको भी हम फिल कर देंगे। तो ये भी हमारा एक पैटर्न बन गया। जो खाली है ट्रायंगल, उसके अंदर भी एक ट्रायंगल फिर से बना देते हैं। मतलब आपको खाली स्पेस अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो फिल करने के तो फिर कई तरीके हैं,
और उस अंदर वाले ट्रायंगल को ऐसे मैंने लाइंस बना बना के फिल कर दिया। तो ये भी कितना सुंदर सा पैटर्न बन गया है। फिर फोर्थ नंबर पर एक सिंपल लाइन बनाई और सेमी सर्कल बनाना शुरू करा इसमें। सेमी सर्कल हाफ का, सर्कल का हाफ, और उसके बीच में ये कॉमास बोलते हैं मेहंदी आर्ट के टाइम पर, आई डोंट नो इस स्टेप को और क्या बोलेंगे। डॉट बनाया और नीचे एक्सटेंड कर दिया ऑपोजिट साइड में, फिर डॉट बनाया फिर नीचे एक्सटेंड कर दिया, और फिर सर्कल्स के अंदर एक और सेमी सर्कल, उसके अंदर एक और सेमी सर्कल, और फिर सबसे अंदर वाले सेमी सर्कल के अंदर एक सर्कल बना के, सेमी सर्कल बना के उसे भी हमने फिल कर दिया। फिल कर रहे हैं बेसिकली हम डिज़ाइन को। ये भी बहुत सिंपल है, इसकी भी आप ऐसे कई बार प्रैक्टिस करिए एंड फिर आपके लिए भी मतलब आप इजीली इसे बना सकते हैं। अब देखिए ये वो ये वाला स्पायरल डिज़ाइन जो हमने भी पिछले डिज़ाइन में सीखा था, स्पायरल बनाया, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनाया और बस ऐसे ही एक्सटेंड करते गए तो आपका एक और पैटर्न बन गया। बेसिकली इस आर्ट में ये होता है कि आप किसी भी डिज़ाइन को अगर रेगुलर मतलब सीरीज़ में बनाते जाते हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। तो हमने ये दो पैटर्न्स को मिक्स कर दिया, स्पायरल और ट्रायंगल। सिक्स्थ है हमारा ये पेटल्स का डिज़ाइन। ये वही पेटल जो पहले हमने दिखाई थी बेसिक पैटर्न में, छोटी छोटी बनाई थी, यहाँ हमने बड़ी बनाई है और फिर पेटल के अंदर डबल कर दी लाइन, एक और पेटल बना दी। फिर इसके अंदर हमने ये लाइंस बना के इसे फिल कर लिया। तो ये भी अच्छा, ये भी इल्यूजन जैसी लाइंस होती हैं। एक साइड में पहले लेफ्ट हैंड साइड आप फिल कर रहे हैं, फिर राइट हैंड साइड आप फिल कर रहे हैं, और फिर इसके अंदर हमने डॉट्स से बाकी थोड़ा सा एनहांसमेंट कर दिया। अब सेवेंथ नंबर डिज़ाइन, इसमें फिर से हमने भी ये पेटल्स ही बनाई हैं। पेटल्स को भी फिल करने के अलग अलग तरीके होते हैं तो वो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने जो ऊपर जैसे फिलर बनाया था उसको एक साइड में बनाया, सिंपल लाइन बनाई और फिर एक साइड में लाइन से ही फिल कर दिया, और अब दूसरी साइड इसको डबल डबल हमने लाइन कर दी, सो दैट थोड़ा डार्क डार्क से पेटल्स की आउटलाइन हो जाए। और फिर अब ऊपर फिर से वो कॉमास वाला डिज़ाइन बनाया और ये भी एक पैटर्न बन गया। दूसरी साइड हम खाली ही छोड़ देंगे। नाउ एथ नंबर डिज़ाइन। अब ये थोड़ा हमारा थोड़ा सा टीडियस है। ये भी स्पायरल का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक साइड लूज रहती है, दूसरी साइड में राउंड राउंड राउंड, और फिर जो खाली वाली साइड है वहाँ पर फिर से हमने ये पतली लंबी जो पेटल्स बनाई थी वैसे ही पेटल्स से फिल कर दिया है, और इसको थोड़ा डेकोरेटिव लुक देने के लिए ऊपर हम ये डॉट्स बना देंगे। तो ये भी एक पैटर्न बन गया। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। आई होप सो आप लोग को ये इजी टू लर्न पैटर्न्स लगे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसको एंड प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोटिवेटिंग मी। मुझे और वीडियोस बनाने का बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं।